इतना तो गलत हुई है कि बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना और अधिकारी ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सिर जरूर फूटने चाहिए, मतलब पैर में लाठी मारोगे तो सिर में लाठी मारनी चाहिए और उनके खून निकले सिर फूटे, तो इस तरह के अधिकारी का तो रवैया समझ में नहीं आया कि अधिकारी की मानसिकता क्या है ऐसे लोगों की। सर माफी मांग ली है एलटीएम साहब ने, तो माफी से थोड़ा कुछ होता है कि गलत करोगे माफी मांग लेंगे, कहीं की टेंशन थी भाई उसको, माफी नहीं, एक किसान की जान भी गई है, माफी नहीं, उसको तो नक्सली क्षेत्र में उसका पोस्टिंग हो जाए 5 साल कम से कम वो वहाँ पे रहे, या क्या करें, यहाँ तो शरीफ लोग रहते हैं, वहाँ पे जरूरत है उसकी। और इस तरह के हकीकत क्या थी वहाँ की? हकीकत तो ये थी कि मुख्यमंत्री को एक वहाँ पे हो रहा है कि हम विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री शहर में किसी उसका उद्घाटन करने आ रहा, उन्होंने कहा कि हम वहाँ से 100 मीटर दूरी पे वहाँ खड़े हो जाएंगे, 10 आदमी हमारे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा देंगे। उनके होम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप दूर से झंडे दिखा दो, विरोध है हमारा, हम उसको दिखा रहे। तो वहाँ बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा, किसान तो वहां से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, मतलब 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसानों पर लाठीचार्ज करना, वहां पे धरना चला हुआ है टोल पे। सर आंदोलन तो आप लोग भी कर रहे हैं यूपी के, पर हरियाणा में परिस्थिति क्यों बन जाती है ऐसी तनाव वाली? नहीं नहीं, यहाँ पे भी तनाव वाली है, तो पूरी जगह जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है वही तनाव वाली है, यहाँ पे भी ये घटना करते हैं। सर पंचायत होने वाली है, लाखों लोग जाएंगे सर। हाँ लाखों लोग जाएंगे, तो आप भी को तो चलना है? हाँ नहीं, हम तो जाएंगे सर। हाँ। एपीरिया घटना से कैसे बचा जाएगा? एपीरिया घटना क्या होगी वहाँ पे, क्यों करेगा कोई एपीरिया घटना भाई? सर इतनी बड़ी भीड़ है ना। अरे भीड़ है तो प्रशासन कंट्रोल करेगा, कोई इस तरह के लोग वहाँ पे ना घुसे, कोई गलत लोग घुसेगा तो वही जनता भी उसको देखेगी। सर किसानों की तरफ से कितने वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं वहाँ? तो कई हजार रहेंगे, ये तो सारा किसान है तो वॉलंटियर है, बताया जा रहा लाखों वॉलंटियर बनाए गए, बहुत बनेंगे। आपने सर प्रशासन से क्या क्या डिमांड करी है पंचायत को लेकर? पंचायतों को आप पानी की व्यवस्था देखो, सड़क की देखो, वहाँ पे पुलिस प्रशासन को लगाओ अपना सब जगह, ट्रैफिक की देखो। सर वो जो ग्राउंड कैपेसिटी है उसकी इतनी? नहीं सर, पूरे देश से किसान नहीं नहीं है, वहाँ से 20 किलोमीटर तक रहेंगे अलग अलग जगह, 20 उम्मीद ये है कि 20-20 किलोमीटर तक भीड़ रहेगी, तो कैपेसिटी तो है नहीं उसकी, कैपेसिटी तो पूरे मुजफ्फरनगर की नहीं। सर मुजफ्फरनगर क्यों चुना आपने? भाई मुजफ्फरनगर तो आंदोलन का स्थल रहा है मुजफ्फरनगर, और पहली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हो रही है तो मुजफ्फरनगर से ही, तो 2013 में इन्होंने दंगे भड़कवा कर राज करा, तो वहाँ से ही मुजफ्फरनगर से ही इनको वही दवाई देने का काम कर। सर मुजफ्फरनगर जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो राजनीति काफी हलचल में आ जाती है, महेंद्र सिंह टिकैत जी होते हैं यहाँ, सर क्या लग रहा है कितना असर डाल पाएगी महापंचायत आपकी सरकारों पर? और क्या पता कितना डालेगी भाई, हम तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी उसकी भी बात करेंगे वहाँ पे, मतलब वो पहली पंचायत ऐसी है कि जिसमें प्रधानमंत्री की घोषणा की भी चर्चा होगी। आप तो खुश हो जाना चाहिए, 5 रुपए बढ़ गए। हाँ तो 5 रुपए 5 पैसे प्रति किलो बढ़ा है, तो भाई 5 पैसे प्रति किलो पे खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए तो आपको पता लगना चाहिए। नहीं लगते आप? हाँ नहीं, 5 पैसे बढ़े हैं। हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर आपने आज पंचायत की? हरियाणा में पंचायत तो सब जगह हो रही है, हमने ये कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, जो सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी तालिबान है, ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हम इनको सरकारी तालिबानी कहते हैं, और उनका सरकारी तालिबानों का कमांडर हमको मिल गया, वो IAS अधिकारी करनाल में है, तो सिन्हा जी उसका परिवार RSS में है, तो क्या इसका मतलब ये है कि RSS में इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मारकाट में चाहो? सर अब सबने जिस तरह से एक मतलब सलाह दी थी पुलिस कर्मियों को कि किसी का भी खाली नहीं जाने का, सिर फोड़ने का, क्योंकि जो इस तरह के जो निर्देश थे किस तरह से देखते हैं अफसर के निर्देश को? उन्हीं के या ऊपर से आए थे? अब क्या बताओ, तो वही बताएगा भाई, वो तो कमांडर पकड़ेगा ना, उससे पूछताछ तो उसी से होनी चाहिए, कोई एजेंसी उससे पूछताछ करनी चाहिए उसको। सर आप हिमाचल गए थे, वहाँ भी एक व्यक्ति ने आपका विरोध किया, फिर आपने उसको कड़े लहजे में हिदायत दी कि आपके बाप के ना है ये हिमाचल प्रदेश? हाँ नहीं, उसने भी दी भाई जवाब, तो उसने भी कड़ाई दिया। कोई हिमाचल का आदमी भी कमजोर है क्या? लेकिन वो समझ गया, उसने आज अपनी एक वीडियो डाली, उसने कहा जी मुझे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, मैं टेंशन में था और मुझे नहीं पता था कि हमने ही ये हमारे लिए यहाँ पा रहे, तो हम तो गए व्यापारी था, वो गए तो थे वहाँ के किसान के लिए गए थे, अब क्या पता किसी को घर की क्या टेंशन है। अब तो उसने लिखा है कि राकेश टिकैत जी हमारे पिता समान है, आज तो वो तो संगठन का मेंबर बन गया अब तो। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं धमकाना, बच्चे है धमकाना का, ये तो
ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी, आंदोलनकारी को धमकाना नहीं चाहिए। सर महापंचायत होगी आपकी मुजफ्फरनगर में, क्या ऐसे लोग वहाँ भी मिल सकते हैं आपको? पंचायत में क्या करेंगे, मिलके तो बाहर ही मिलते हैं, कहीं कहीं मिल जाए। मित्र रहे हैं वो संजीव बालियान जो तो दे रहे हैं ना, कप्तान साहब हट जाइए हम देखेंगे। हाँ भाई वो तो देखो मंत्री है, धमकी दे। देखो जिसने भी आरएसएस की ट्रेनिंग कर ली वो आरएसएस में शायद यही हो सकता है कि यही भाषा सिखाते हो। ट्रेनिंग तो आपने भी दी कई सारी? नहीं नहीं छोड़ नहीं नहीं, हमने आरएसएस में हम कभी आगे की रणनीति बना लेंगे। अभी तो 5 तारीख की मीटिंग है तो बनाएंगे, वहाँ पे सब लोग होंगे, पूरा संयुक्त मोर्चा होगा वहाँ पे। सलाम उसको, लाठीचार्ज जो हुआ है इसको लेकर मुजफ्फरनगर में कोई ऐलान होगा? चर्चा होगी इसकी, ऐलान तो इसमें क्या होगा, उसकी निंदा होगी। सर महापंचायत में कुछ पॉलिटिकल लीडर भी आएंगे क्या इसमें कोई? ना भाई पॉलिटिकल लीडर के तो वहाँ ना मंच है ना माई। राष्ट्रीय लोकदल का भी कोई नहीं? चुनाव आ रहे हैं सर 5 राज्यों में, कुछ अनाउंसमेंट होगा चुनाव को लेकर? अब देखेंगे संयुक्त मोर्चा क्या करता है वहाँ पे, वो तो संयुक्त मोर्चा जो भी करेगा। ये मीटिंग तो संयुक्त मोर्चा की है सर। जो मेघालय के गवर्नर है उन्होंने जो करनाल में घटना हुई उसकी निंदा की है। हाँ नहीं तो गवर्नर तो ठीक है, केड़ा आदमी गवर्नर, अगर इसी तरह के सरकार में लोग रहते हुए निंदा करें तो ये दिक्कत ही ना हो। सर विरोध तो करते हैं पर इस्तीफा देकर नहीं आते ना, तो क्या करेंगे? इस्तीफा देकर वहीं रहना अच्छा, लड़ाई होकर घर छोड़कर बाहर बैठे तो बाहर तो भाई खाट पे बैठना पड़ेगा, घर को क्यों छोड़ना? अरे विरोध ठीक है तो घर पर कब्जा पक्का रखना चाहिए। आपकी तरह कहड़े नहीं है ना? ना सब कहड़े हैं भाई, घर पर कब्जा है ठीक है। मीडिया भी आपसे अजीब अजीब बात कर रही है, कैसे देख रहे हो मीडिया का विरोध? हाँ मीडिया भी अजीब करने लगी बात, अपनी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, हाथ फेंकते हुए दिखे। हम कह भी नहीं भाई क्या कह रहे हो बता दो, लेकिन आवाज बंद कर देते हैं, हमें सुनाई देती नहीं, और फिर ये कहते हैं जवाब नहीं दिया गया। अजीब आदमी है भाई ये। अभी चेंज हुए? अभी चेंज हुए, कुछ चैनल चिन्हित हो गए इनमें। अच्छा। 3 चैनल चिन्हित हो लिए। कभी इलाज करेंगे क्या? नहीं हम क्या इलाज करते हैं, हम उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, क्या इलाज करते हैं भाई? ये भी तो इलाज में ही आता है सर। नहीं नहीं तो हम देने के मीडिया को दोगे सर इंटरव्यू? सोशल मीडिया ही है भाई, अब सोशल मीडिया का इशारा है। आपका धन्यवाद भाई, चलाओ आप अपनी बात कहते रहो, सोशल मीडिया नंबर एक पर जाएगी, जो इस आंदोलन को ठीक दिखाएगा आने वाले टाइम पे, उस वो अपने चैनल खोल लगा, निष्पक्षता से दिखाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ना जेल से डरो ना रेल से डरो, और सोशल मीडिया देश का जिंदाबाद। सरकार तो डरा रही है ना सोशल मीडिया वालों। अरे कैसे डरा देगी सोशल मीडिया? आप ही तो कहते हैं बंदूक पे और कैमरा पे, कलम पे और कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में सर। और सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश करी जाएगी तो सोशल मीडिया इस किसान आंदोलन का हितेशी है, था और रहेगा। सर आखिरी सवाल सर, तो जो मोदी सरकार है 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए सरकारी जो उपक्रम है उनको ठेके पे दे रही है या फिर उनको जो बेच रही है? सब बिकेगा, पूरा देश की प्रॉपर्टी बिकेगी। सड़कें भी इस बार उन जमीनों को बेच के व्यापारियों को कर्जा दिया जाएगा, वो कर्जा लेकर वो भाग जाएंगे, ये होगा। देश में बचना कुछ नहीं, खेल के मैदान नहीं बचे, स्टेडियम नहीं बिके, सड़कें रेलवे की खाली जमीन मंडियां तो सब बिखरा है। सेल फॉर इंडिया का बोर्ड हर जगह लग चुका है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।